जल सहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह ने अपनी जायज मांगों को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर पपड़ाटांड में थाली और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के उपरांत अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा व एनडीसी सुदेश कुमार को सौंपा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व जल सहिया संघ के नेत्री गायत्री देवी ने किया। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गायत्री देवी ने कहा कि झारखंड राज्य की नई वर्तमान सरकार ने राज्य की समस्त सहियाओं को 10 वर्ष कार्य करने के पश्चात मात्र 1000 मासिक मानदेय मंत्री परिषद को बैठक का भुगतान दिया था। पिछले चुनाव के पूर्व वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार आने के बाद न्यूनतम मजदूरी में से किसी को कम मानदेय नहीं मिलेगा। यहां तो आईआईसी मद की राशि को कतिपय कार्यपालक अभियंता एवं विभागीय मंत्री भ्रष्टाचार के खेल में मंत्रिपरिषद के निर्णय को मात्र एक मंत्री ने बदल दिया। सरिता देवी ने जिले के साथ साथ राज्य के तमाम जल सहिया को विकट परिस्थितियों में अपने हाथ में नेतृत्व लेकर आंदोलन को धारदार करने का आह्वान किया। प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि देश की पहली घटना है कि राज्य में मंत्रिपरिषद के निर्णय को अपने स्वार्थ में बदलकर मानदेय को समाप्त कर दें। आज जल सहिया को उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार अल्प मानदेय को न्यूनतम मजदूरी के अधिकार पर वृद्धि करेगी, लेकिन दुर्भाग्य है आशा के विपरीत कार्रवाई हुई। झारखंड सरकार के दो विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है, पहला नगर निकाय विभाग और दूसरा पेयजल स्वच्छता विभाग। वर्तमान सरकार में दोनों ही विभाग झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। सीता राव परवीन, विक्रम गुप्ता, राजेश कुमार, पूनम देवी, राजेश महतो, संतोष कुमार आदि लोगों ने अपना अपना विचार रखा। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों सहियाओं और कर्मियों ने भाग लिया, जो कि पूरे राज्य में 29,000 हैं। आज डीसी के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हैं। आज हमारी महिलाएं जो यहाँ पे डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन दे रही हैं, वो पूरा झारखंड को प्रदर्शित कर रही हैं कि जहाँ पे जलसैया बहने इंटर बीए करके 1000 की तनख्वाह कर रही थी और आशा में थी कि हमारी क्षेत्रीय सरकार अगर आती है तो हमारा उत्थान करेगी, और ये वादा करके भी आई थी। आप देख ले निकाल के उनके जो वक्तव्य थे लिखित रूप में, उनमें था कि जलसैया बहनों का हम उत्थान करेंगे, न्यूनतम मजदूरी देंगे। लेकिन अफसोस की बात, 2 सालों से लगातार हम लोग क्या कहते हैं संघर्ष करते हुए जा रहे हैं कि सरकार बात सुनेगी। तो हमें दिलासा दिया जा रहा था कि कोरोना काल है बहन, कोरोना काल है, उसके बाद आपका काम हम लोग करेंगे। लेकिन अफसोस की बात, अगस्त में हमारा चिट्ठी निकलता है कि आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा। ये सरकार की नीति बहुत ही गंदी है और हमारे साथ राजनीतिकरण हो रहा है। जो रघुवर दास 1000 मानदेय देती है प्रोत्साहन के बाद, और ये सरकार आती है तो मानदेय ना दे के प्रोत्साहन देती है। अफसोस की बात ये है कि आप प्रोत्साहन की बात करते हैं, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप प्रोत्साहन की बात करते हैं, वो प्रोत्साहन कहाँ गया जो हम लोगों ने शौचालय बनवाया, 100 फीट बनवाया और भी बहुत सारे चापाकल की मरम्मती करवाई, वो सारा कहाँ गया? 2019 में जब स्वच्छ भारत मिशन कंप्लीट हुआ तो करोड़ों रुपए स्कूटी इंजीनियर के खाते में था। उन्होंने खुद बयान दिया था किसी के पास 4 करोड़, किसी के पास 2 करोड़। वो आईसी मद का फंड कहाँ गया? मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, मैं मतलब मिथिलेश ठाकुर से पूछना चाहूँगी कि उसका आप लोगों ने कैसे बंदरबाट कर लिया? आज कहते हैं प्रोत्साहन राशि, वो प्रोत्साहन राशि पहले दीजिए ना। आज आप सोचते हैं कि इस